Dear students, I am Anand Pal Singh, your mathematics trainer, and today I will be teaching you second order derivatives of class 12th. We completed some questions in the previous video, so today we will be starting with question number 12 and we will be completing this exercise. So, dekho, is question mein kya kehta hai? If y is equal to cos inverse x, find the second derivative d2y by dx2 in terms of y alone. In terms of y alone का मतलब क्या है कि जो final answer है उसमें y होना चाहिए, उसमें x नहीं होना चाहिए. हम क्या करते हैं, हम start करते हैं y is equal to cos inverse x. इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ cos ले लें तो cos y equal to क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. पहला तो आप ये निकाल कर लो. सेकेंड, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और राइट हैंड साइड क्या बन जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. अब कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जरा वो भी एक बार देख लेते हैं. d by dx of cos inverse x ये होता है minus 1 upon under root of 1 minus x. अगर आप sin inverse x का डेरिवेटिव देखेंगे तो वो पॉजिटिव 1 upon under root of 1 minus x square होगा, यानी कि सेम होगा, सो उसमें नेगेटिव साइन नहीं होगा न्यूमरेटर में, राइट. तो अब यहां पर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया dy by dx ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आ गया माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. अब नाउ वी ऑब्जर्व दैट यहां पे आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर. अब x क्या था, cos y. मेरे को फाइनल आंसर क्या बोला होगा, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन. तो मैं अब x की जगह डाल देता हूं cos y और देखता हूं ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है minus 1 upon under root of 1 minus cos square y. अब एक trigonometrical formula भी हो जाए, 1 minus cos square theta is sin square theta. तो जब हम square root करेंगे तो sin theta हो जाएगा, means ये हो गया आपका 1 upon minus 1 upon साइन वाई. और साइन वाई का रेसिप्रोकल क्या होता है, यस इट इज कोसेक वाई. तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक. तो मेरे पास पहला डेरिवेटिव आ गया माइनस कोसेक वाई. अब क्या करना है, इसी का हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ वाई. तो मैंने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ वाई. अब मैं फिर से लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग अगेन. सेकेंड डेरिवेटिव हो गया लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पे माइनस बाहर ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक वाई. देखो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बहुत है, कैलकुलस में बहुत फॉर्मूला. कोसेक वाई का डेरिवेटिव एक और फॉर्मूला आ गया, तो यहां पे एक और फॉर्मूला लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स. अगर कोसेक एक्स होगा तो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. लेकिन यहां पे क्या है, कोसेक वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक वाई कॉट वाई. तो लिख देते हैं माइनस ऑफ माइनस कोसेक वाई कॉट वाई और इनटू डेरिवेटिव ऑफ वाई. अब यहां पे कौन सा रूल लग गया, चेन रूल. वाई बिकॉज यहां पे एक्स नहीं था, यहां पे अगर एक्स होता तब तो वो फॉर्मूला है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. जब x की जगह कुछ भी और आ जाएगा तो आपको उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसी को चेन रूल कहते हैं. अब फाइनल आंसर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका cosec y cot y, और dy by dx क्या था इन टर्म्स ऑफ y, माइनस cosec y. सो यू कैन राइट द फाइनल आंसर एज माइनस cosecant स्क्वायर y इनटू cot y. इस वीडियो को देखते हुए कहीं पे ना समझ आए तो आप रुक जाइए, पीछे जाइए, पॉज कीजिए
उसके बाद फिर से प्ले कीजिए, राइट। आपको इस टेक्निक को हमेशा याद रखना है, ऐसे ही आपको करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। I'm reviewing the formulas also. Without practice, you are blind in mathematics. अगर आप practice नहीं करोगे तो आप mathematics में blind होगे। इसका मतलब क्या है कि आप exam में score नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा आपको सारा आता है, formula मग आप कर लोगे ठीक है, लेकिन practice नहीं करोगे तो application नहीं आएगी। Mathematics wants regular practice. एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं मैथ्स पढ़ने का, डेली आप 60 मिनट्स 1 आवर मैथ्स कीजिए इन रिटर्न अपने आप बैठ करके, फिर देखना रिजल्ट कैसे आता है। इफ यू वर्क इट फॉर 30 डेज आपका मैथ्स में कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, वाई इज इक्वल्स टू कॉस 3 cos log x plus 4 sin log x. Show that to prove x square by 2 plus x y 1 or plus y equal to 2. देखो यहां पर y 1 का मतलब क्या है, y1 का मतलब होता है dy by dx, y2 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव d2y by dx2। कुछ बुक्स में dy by dx को y डैश भी लिखा जाता है, इसको y डबल डैश भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी याद रखना आपको। x स्क्वायर y2 सेकंड डेरिवेटिव को x स्क्वायर से करना है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या करेंगे, फाइंड differentiating on both sides with respect to x, outer function क्या 3 cos of some angle, 3 cos of some function, cos theta का derivative क्या होता है minus sin theta, तो यहां पे 3 constant बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा minus sin log x, और मैं इसको bracket में रख रहा हूं, why, because ये negative जो है ये के साथ में मल्टीप्लाई होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वाई, फिर से वही टेक्निक वही कंसेप्ट, आपको यहां पर चेन रूल लगा, वाई बिकॉज दिस इज कॉस लॉग एक्स नॉट कॉस एक्स, अगर कॉस एक्स होता तो आप माइनस साइन एक्स लिख के क्लोज कर देते है ना, क्योंकि कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, लेट अस सपोज आप आगे लिख देते हो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ और होता है तो हम उसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। आगे आ जाते हैं 4 sin of log x, sin of x का होता है cos of x, तो ये हो जाएगा cos of log x into d by dx of log x, so this becomes minus 3 sin log x अपॉन एक्स लॉग एक्स का 1/x, तो ये अपॉन एक्स नीचे आ गया, प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x, तो ये भी एक्स नीचे आ गया, ये हो गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड डेरिवेटिव, x डिनोमिनेटर में तो नहीं है, फाइनल आंसर में नहीं है, तो हम क्या करते हैं हम x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करता हूं इसको लिख देता हूं x dy by dx is equal to minus 3 sin log x और प्लस 4 cos of log x, आगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, अब डिफरेंशिएट करोगे, अब यहां पे दो फंक्शन हो गए, दो फंक्शन को जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, यस प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, जब भी प्रोडक्ट हो रहा हो तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, जब डिवाइड हो रहा हो तो क्वेश्चन रूल लगा दो, सो सिंपल।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रोडक्ट दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर प्रोडक्ट लगाना है। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज एक्स गिव्स यू माइनस थ्री साइन लॉग एक्स हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x और प्लस 4 माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, तो मैंने माइनस यहां ले लिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विच इज 1/x। अब क्या करते हैं, x को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, या पहले x का मोर लिख लो x इनटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो बन है ना, ये तो बन है ना, इसको नहीं लिखते, ये हो गया माइनस थ्री कॉस लॉग एक्स और माइनस फोर साइन लॉग एक्स। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहां प्लस कर देता हूं और डिनोमिनेटर में आ गया एक्स। अब ध्यान से देखो इसका न्यूमरेटर किससे किसके इक्वल है, सी वाई की इक्वल है, ऊपर आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स। अब आप क्या करोगे, जस्ट मल्टीप्लाई बाई एक्स, गेट एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, इसको आप फिर चेंज करके उस फॉर्म में लिख सकते हो। देखो कितना सिंपल हो गया। तो आपको क्या करना है, याद रखना जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो इस स्टेप के बाद आफ्टर दिस स्टेप क्वेश्चन रूल मत लगा देना। क्वेश्चन रूल लगा दिया तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, फिर नहीं आप कंट्रोल कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, यहां पे लाके एक्स को पहले रिमूव करना है। ऑलवेज कीप एन आई ऑन द रिजल्ट, जो प्रूफ करना है उसके ऊपर ध्यान रखो कि वो क्या कह रहा है आपसे, राइट। वो क्या कह रहा था कि एक्स से मल्टीप्लाई होगा, कहीं पे भी फाइनल आंसर में एक्स से डिवाइड नहीं होगा। तो विद दैट आइडिया इन माइंड आपको क्या करना है, आपको पहले एक्स से मल्टीप्लाई करना है। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन एंड रेस्ट ऑल क्वेश्चंस आप लोग घर पे करने वाले हैं, अपने आप प्रैक्टिस करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17। वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इफ दिस इज गिवन देन शो दैट, प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन इक्वल्स टू 2। अब मैं क्या करता हूं, जहां पर dy by dx लिखना ना वहां पे मैं स्टार्टिंग से ही शुरू से ही dy by dx लिखेगा y1 लिख देता हूं। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx लिखेगा, क्या लिख रहा हूं मैं y1, यहां पे क्या लगेगा, पहले पावर रूल लगेगा, फंक्शन का स्क्वायर है तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x बताइए, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, नहीं पता, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो आई विल जस्ट राइट हियर 1 अपॉन। अब फिर से देखो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ गया, 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे क्या कहा था, उधर देखना फाइनल रिजल्ट क्या प्रूव करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो उसको उठा के ले आते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
into y1 is equal to 2 tap inverse s. अब डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन, वाई वन का मतलब डी वाई बाई एक्स. तो अब क्या होगा यहां पे प्रोडक्ट टू लग जाएगा. और राइट हैंड साइड में क्या है 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, यहां पे प्रोडक्ट टू नहीं लगेगा, 2 इज ए कॉन्स्टेंट. सो वी विल टेक 2 आउटसाइड एंड डिफरेंशिएट टेन इनवर्स एक्स. तो क्या करते हैं हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई वन, तो ये हो जाएगा वाई टू प्लस वाई वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्या हो गया 0 प्लस 2x इक्वल्स टू, यहां मैंने प्रोडक्ट टू लगाया इसमें, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका होल स्क्वायर इंटू वाई टू, ये हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन, और राइट हैंड साइड में रह जाएगा सिर्फ नंबर 2. राइट, इस वीडियो को बार बार करो, पॉज करके देखो, जहां भी ना समझ में आए मेरे से पूछो, मेरे को कमेंट करो. मेरा मैं आपको नंबर भी बता देता हूं, इट इज 9810134293. इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो और मेरे को कॉल भी कर सकते हो. ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.